हे गाइस, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग स्टडी स्किल सक्सेस। तो यार, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उन सभी बोर्ड्स के 12वीं के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। और 12वीं के रिजल्ट्स आने के बाद मेरी जो वीडियोस है, जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की है, उन वीडियोस पर स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं नीट एंड जेई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो यार, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हैं चाहे फिर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, नीट एंड जेई से रिलेटेड जो भी किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, पूरा डिटेल में बताइए कि आपका डाउट क्या है, उसके बारे में कमेंट कीजिए। फिर उन डाउट सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स को मिलाकर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। सभी जो आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स में जितने भी डाउट्स आएंगे, उन सभी को मिलाकर आपको मैं एक वीडियो दूंगा, जिस वीडियो में आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं वो सभी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपके जितने से भी किस भी प्रकार के डाउट रहता है, उन सभी डाउट्स को मैं उस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो डाउट सेशन को लेकर नहीं है, ये वीडियो मैंने सिर्फ ये बताने को लेकर बनाई है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपका जो भी डाउट रहता है, चाहे आप नीट की तैयारी करने वाले हैं 12th के बाद सिर्फ, चाहे फिर आप जेई की तैयारी करने वाले हैं, तो जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं आपको पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपके डाउट का जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है गाइज, तो सभी स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, मैं दोबारा अगेन बताना चाहता हूं कि आप जेई और नीट जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एएस से रिलेटेड, अटेम्प्ट से रिलेटेड, या फिर उसके सिलेबस वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आप डाउट हो तो उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर दूंगा। ठीक है गाइज, तो इसी को लेकर आज का ये वीडियो था। बाकी नीट एंड जेई पोस्टपोन को लेकर अभी तक कोई किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रिपरेशन बंद मत कीजिए। चाहे नीट एग्जाम पोस्टपोन होता है या फिर नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है नीट की वो पूरी रखिए। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज, यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।